हाय डियर फ्रेंड, आज 18 जनवरी 2019 का हम करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो वो है क्वेश्चन नंबर A1 का ए ऑप्शन, ये था विनेश फोगाट। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सी लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए। ठीक है, लारियस प्रतिष्ठित ये स्पोर्ट गेम है, लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं वो पहली भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो हैं विनेश फोगाट। ओके, पहलवान विनेश फोगाट प्रतिष्ठित लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 18 फरवरी को आयोजित होने वाले इस इवेंट में विनेश लारियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी के लिए नॉमिनेट हुई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? अनिल कुंबले, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और वसीम जाफर। तो वसीम जाफर इज द राइट आंसर। ठीक है, बल्लेबाज वसीम जाफर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। रणजी ट्रॉफी इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले जाफर ने यह उपलब्धि उत्तराखंड के खिलाफ 206 रन बनाकर हासिल की है। ठीक है, वसीम जाफर याद रखना, जिसने 40 वर्ष की उम्र में दोहरा शतक जड़ा है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत कितने CBI अधिकारियों का कार्यालय तत्काल प्रभाव से घटा दिया है? तो ऑप्शन सी है 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत 4 CBI अधिकारियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से घटा दिया है। ठीक है, तो याद रखना है 4 है। ठीक है, मतलब टोटल 5 है। नेक्स्ट है, किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली भारतीय निजी कंपनी बन गई है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है। पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम एंड रिटेल सेक्टर में दमदार ग्रोथ की बदौलत रिलायंस इंडस्ट्री देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसका तिमाही मुनाफा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तिमाही, ठीक है, 1/3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस आयोग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE के खिलाफ भेदभावपूर्ण आचरण की शिकायत को खारिज कर दिया है? तो भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ठीक है, किस आयोग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ भेदभावपूर्ण आचरण की शिकायत को खारिज कर दिया है? तो वो है भारतीय स्पर्धा आयोग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटेन के हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी HESA हेसा के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2017 से 2018 में पहली बार किस देश के छात्रों की संख्या बढ़कर 19,750 हुई है? तो वह है भारत। ठीक है, भारत ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी कर्ज माफ़ी योजना जय किसान ऋण मुक्त योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो वह मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी कर्ज माफ़ी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना का औपचारिक शुभारंभ किया था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 55 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने वाली अपनी सरकार की 50,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी कर्ज माफ़ी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रभात सिंह को। ठीक है,
आईपीएस अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हैं प्रभात सिंह, वरिष्ठ आईपीएस प्रभात सिंह को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयात निर्यात बैंक में कितने हज़ार करोड़ रुपए के पुनः पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है? तो है 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके पहले भी हमने इसके क्वेश्चन को देखे हैं, तो 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इस बार निम्न में से किस शहर में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस इस बार निम्न में से किस शहर में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा? तो वह है वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में ये आयोजित होगा और यहाँ पे इसको ये दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, इस बार सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ मुख्य अतिथि होंगे। ये भी ध्यान देख रहे हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगनाथ। तो ये भी इस तरीके से हमें ये भी एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, सम्मेलन में भाग लेने के लिए होने वाले पंजीकरण के पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से करंट अफेयर को देखते रहिए। ये 18 जनवरी का करंट अफेयर है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे 19 जनवरी का करंट अफेयर। तो रेगुलर बेसिस पे ये करंट अफेयर देखते रहिए ताकि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके बेटर हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।